राजस्थान में पार्टियों की सरगर्मियां तेज हैं, वहीं एक और जयपुर से बाड़ेबंदी के सभी विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किया जा चुका है और मुख्यमंत्री स्वयं भी मंत्रियों के साथ जयपुर से जैसलमेर के लिए रवाना हो रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि लोकतंत्र को तोड़ रही है बीजेपी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक तंच भी कसा है कि जैसलमेर से आगे तो पाकिस्तान है और गहलोत साहब आगे कहां तक भागेंगे, जे उन्होंने तंज कसा है कांग्रेस पार्टी पर। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि विधायकों के परिवारों के पास धमकी भरे फोन आ रहे हैं, इसीलिए हमारे को बाड़ेबंदी जयपुर होटल से जैसलमेर के अंदर विधायकों को शिफ्ट करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसलमेर से हम आते जाते रहेंगे, मंत्री जयपुर में रहकर काम करेंगे और कांग्रेस सरकार को बीजेपी जो तोड़ने में लगी हुई है उसके मंसूबे जो है पूरे नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान की जनता बीजेपी को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने एक आरोप और लगाया कि एमएलए की खरीद फरोख्त का जो कार्य है वो अभी तक जारी है और विधायकों को खरीदने का काम अभी तक चल रहा है, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त के नीति से दूर रहेंगे और वे कांग्रेस पार्टी के साथ सभी बने हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री और उसके मंत्री जयपुर से जैसलमेर की यात्रा करते हुए बार बार उनके पास पहुंचते हुए किस प्रकार अपने विधायकों को पार्टी से जोड़े रखने में सफल होते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।